ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने स्टीरियो केमिस्ट्री जो है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसकी पहली जो टाइप है वो डिस्कस की है, विच वॉज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हमने देखा कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में जो रूल ऑफ थंब था वो ये था कि यू हैव टू हैव अ डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड के अबाउट चूंकि जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, सो यू कैन हैव टू सेट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कुड बी फॉर एग्जांपल एच एंड सी एल एंड सी एल, और यहाँ पे राइट साइड पे आप जो भी चीज़ें अटैच करोगे, यू कुड हैव हाइड्रोजन ओवर हियर एंड यू कुड हैव ओ एच ओवर हियर, या आप यूँ कर सकते हो कि यू कुड हैव ओ एच ऊपर की तरफ और हाइड्रोजन नीचे की तरफ। एंड सिंस दिस स्ट्रक्चर, दीज टू आर टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज अगर तो ये एक ही स्ट्रक्चर्स होते तो ये एक सिंगल बॉन्ड की सूरत में तो हो सकते थे, बिकॉज उसमें रोटेशन फ्रीली होती है अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, वी डिस्कस्ड इट लास्ट टाइम। बट इसमें चूंकि डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकती, सो दीज टू आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सिस स्ट्रक्चर, सिस मीन्स ऑन द सेम साइड, एंड द अदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ट्रांस स्ट्रक्चर, ट्रांस मीन्स ऑन द ऑपोजिट साइड, बिकॉज सिमिलर ग्रुप्स लाए ऑन द ऑपोजिट साइड नीचे वाले में, और सिमिलर ग्रुप्स लाए ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन एटम्स। सो दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस, एंड दिस कम्प्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। आज जो हमने बात करनी है वो करनी है हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कि हम इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों बोलते हैं, या ऑप्टिकल या ऑप्टिक, यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स बाय द वे, जिसमें आप लाइट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हो, या आई साइट, या इस तरह की चीज़ें जितनी भी आप स्टडी करते हो लाइट से रिलेटेड, इट इज स्टडीड इन ऑप्टिक्स। सो लेट अस कम टू द पॉइंट कि पोलराइज्ड लाइट जो है, पोलराइज्ड लाइट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट होता है लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। वैसे तो जो वाइट लाइट है इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द डिफरेंट कलर्स, वाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ तमाम कलर्स शामिल होते हैं, इसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट एंड देन इंडिगो एंड देन अप टिल रेड, इसमें सात कलर्स होते हैं। बट इन तमाम की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हो गई और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। आप ये ऐसा कर सकते हो, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, जिससे आप इन सात रंगों को एक तरह से अलग कर सकते हो, जिससे ये होता है कि लाइट फिर फैलती नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेज़र लाइट है, ये बच्चों के खिलौनों में भी आपने अक्सर देखी होगी लेज़र लाइट, इट इज़ पोलराइज्ड लाइट। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके अंदर से लाइट पास कराओ जो कि पोलराइज्ड हो, तो वो लाइट या तो राइट साइड पे बेंड हो जाती है या वो लेफ्ट साइड पे बेंड हो जाती है। ठीक है, लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स, एंड दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब केमिस्ट्स ने इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक कायरल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, या एक कायरल कार्बन एग्जिस्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज अ कायरल ग्रुप। कोई ऐसा कार्बन एटम किसी कार्बन की चेन के अंदर अगर लगा हुआ हो जिसके चारों बॉन्ड्स में मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हों, मसलन यहाँ पे आप लगा दो एक ब्रोमीन, यहाँ पे लगा दो आयोडीन, यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, और ऊपर लगा दो आप कार्बन, या आप ऐसा करो यहाँ पे आप एच लगा दो, और बाकी चारों अगर डिफरेंट किस्म की चीज़ों के साथ अगर कार्बन अटैच्ड हो, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं इट इज़ अ कायरल कार्बन, या कायरल सेंटर है ये। ठीक है, कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर की वजह से होता यह है कि यू कैन हैव टू सेट्स ऑफ कंपाउंड्स। आप एक तो ये कर सकते हो कि इस कार्बन को आप यहीं पे रखो, ये कायरल कार्बन मैंने बनाया है, अब चूंकि इसके चार बॉन्ड्स हैं
एंड चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स हैं, इट मींस इट वुड बी अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर. दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, बल्कि लेट मी ड्रॉ द बॉन्ड्स विद ग्रे. दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है. दिस इज द सेकेंड बॉन्ड, लेट मी ड्रॉ इट दिस वे कि इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. दिस वन इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. सो इसको मैंने यूं करके बनाया है. एंड देन यू हैव वन अदर वन विच इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. एंड देन द लास्ट कार्बन का बॉन्ड विच इज गोइंग इन टू द पेज. ठीक है, कार्बन के देर आर फोर बॉन्ड्स एंड यू नो के दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर. ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 109.5 degrees. This is also 109.5 degrees. These bond angles, you and this one like this. ये सारे 109.5 degrees के structures angles हैं और ये एक tetrahedral structure है. अब in this tetrahedral structure, if you have ऊपर वाले को आप कार्बन का बॉन्ड कर लो, ठीक है, ऊपर तो चलो एक कार्बन लगा हुआ है. नीचे यू कुड हैव थ्री सेट्स ऑफ थ्री डिफरेंट ग्रुप्स, क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन. ब्रोमीन और क्लोरीन जो है ये पेज से बाहर की तरफ आ रहा है और आयोडीन पेज से अंदर की तरफ जा रहा है. इसी वाले स्ट्रक्चर को लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन एंड विद अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. यही वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे नीचे दोबारा रीड्रॉ करता हूँ इस तरीके से कि नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस आयोडीन एंड क्लोरीन विद ईच अदर. लेट मी पुट आयोडीन ओवर हियर एंड क्लोरीन ओवर हियर. दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट द सेम स्ट्रक्चर्स. रीजन बीइंग कि अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर बाय द वे सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है. हम इन दोनों को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बोल सकते क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आप टाइप्स देख चुके हो, वो डिफरेंट थी. ये जो आप बात कर रहे हो, दिस इज स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो, यू अंडरस्टैंड कि स्टीरियो जो वर्ड है ये 3D डायमेंशन से निकला है, ये स्पेटियल अरेंजमेंट की वजह से निकला है. 3D स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से ये दो आइसोमर्स फॉर्म हुए हैं. और इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स. द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दीज आइसोमर्स इज कि दीज आर ऑलवेज मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. लेट मी शो यू सम मोर एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए. अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एक ही है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर मैं इस वाले कंपाउंड को घुमाना भी शुरू कर दूँ ना, मैं अगर इस वाले आयोडीन को उधर ले जाऊं, वो क्लोरीन फिर बैक साइड पे चला जाएगा और ये ब्रोमीन फ्रंट पे आ जाएगा. मैं जो मर्जी कर लूं, जैसे मर्जी घुमा लूं, इसको किसी भी तरीके से घुमा के या कुछ भी करके ये चीज नहीं बनाई जा सकती, ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स के अंदर यही जो बात मैंने अभी की है, वी कॉल इट नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर्स. कि आप इस वाले स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से रोटेट करके, जो मर्जी करके, आप इस वाले स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है. यू कैन नॉट सुपर इम्पोज दिस स्ट्रक्चर ऑन टू दिस वन बाय सिंपल रोटेशन. लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स. ये बहुत ही मजे की एक एग्जांपल मुझे मिली है. इस एग्जांपल में आप देखो दिस, ये आपको हाथों से एग्जांपल दी गई है, बिल्कुल जिस तरह हमारा एक इंसान का जो लेफ्ट हैंड है और जो उसका राइट हैंड है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है. आप अगर इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दीज टू आर डिफरेंट, बट आप ये कर सकते हो, कह सकते हो कि दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है. क्योंकि अगर आप एक हाथ को देख रहे हो, ठीक है, आप शीशे के आगे एक हाथ को रखो तो आपको एग्जैक्टली वही इमेज नजर आएगा जो वैसे आपके दूसरे हाथ का है. अगर यहाँ पे आपके सामने मिरर लगा हुआ है तो आप एक हाथ को फ्रंट से इमेज देखो उसका, और दूसरे हाथ को आप सामने रख के देखो तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज नजर आएगी, ठीक है. आर हैंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सो नाउ यहां से इस कंपाउंड को अगर आप गौर करो, दिस इज अ कार्बन, ठीक है. मैं इसको ब्लैक से करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए. दिस वन इज अ कार्बन जिसके एक तरफ एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है,
एक तरफ एक R ग्रुप लगा हुआ है एंड R मीन्स इट इज एन अल्काइल चेन, एंड एक तरफ आपके सी डब्लू एच लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं। यू विल स्टडी अमीनो एसिड्स इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 13 का जो फाइनल आपका टॉपिक होगा दैट वुड बी अमीनो एसिड्स। आई विल रिपीट, कोई किसी कार्बन के साथ अगर एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो, सी डब्लू एच लगा हुआ हो, एक तरफ उसके R या अल्काइल चेन लगी हुई हो, एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा हुआ हो NH2 और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम अमीनो एसिड बोलते हैं। और ये डिफरेंट R's लगा के आप मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ इस अमीनो एसिड को अगर आप मिरर के अंदर देखो तो आपको ये राइट वाला अमीनो एसिड नजर आएगा, ठीक है। नाउ दीज टू अमीनो एसिड्स आर नॉट द सेम थिंग, एंड यू नो ये जो दरमियान वाला कार्बन है दिस इज अ कायरल कार्बन, जिसका मैंने आपको बोला था दिस इज अ कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर होने की वजह से वन एवर देर इज अ कायरल सेंटर तो इट इज अंडरस्टूड, आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि इस कंपाउंड का एक और आइसोमर बनाया जा सकता है जो कि उससे टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर मैं इस राइट साइड वाले को अगर रोटेट करूं तो कभी भी मैं ये लेफ्ट वाला अचीव नहीं कर सकता। या अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस एच को उठा के इधर ले आऊं, इस आर को उधर ले जाऊं, तो फिर ये होगा कि ये आर पेज से अंदर की तरफ फिर जा रहा होगा, बाहर की तरफ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और ये वाला जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेट मी शो यू दिस, ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आप नीचे सबसे पहले इधर वोर करो जहां पे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। दिस आर इज बेसिकली अ कायरल सेंटर, दिस इज अ स्केलेटल फॉर्मूला। इस आर के लेफ्ट साइड पे एक कार्बन की चेन एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, और इस एस के भी लेफ्ट साइड पे एक कार्बन की चेन एक्सटेंड हो रही है। इस आर के ऊपर एक सी एन यानी साइनो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसके एक तरफ ओ एच ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ एच ग्रुप लगा हुआ है। और इस वाले कंपाउंड के एक तरफ साइनाइड लगा हुआ है, एक तरफ ओ एच लगा हुआ है, एक तरफ एच और एक तरफ सी। ये दोनों कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। कैसे? क्योंकि इस वाले में हाइड्रोक्साइड जो है वो पेज से बाहर आ रहा है, साइनाइड जो पेज के अंदर जा रहा है, साइनाइड पेज से बाहर की तरफ आ रहा है और हाइड्रोजन पेज के प्लेन के अंदर है। लेकिन इस वाले में हाइड्रोजन तो पेज के प्लेन में है और कार्बन भी वहीं पे है, लेकिन हाइड्रोक्साइड और साइनाइड की आपस में लोकेशन डिफरेंट है। लेट मी गिव यू अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। ये जो ऊपर आपको दो कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं ना, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सबसे पहले तो ये बताओ, इस बात पे कोई एतराज तो नहीं है आपको? अगर दरमियान में यहाँ पे एक शीशा लगाया जाए तो आपको ये जो चीज है ये बिल्कुल ऐसी नजर आएगी, ठीक है। शीशे में बिल्कुल आपको इस तरह की चीज नजर आती है, जो चीज इधर है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी, जो चीज पीछे की तरफ है वो उधर भी शीशे के आपको अंदर की तरफ नजर आएगी, ठीक है। सो दिस इज अ मिरर प्लेन, और मिरर प्लेन के ऑपोजिट साइड पे ये आपको दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, और ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं एंड दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्योंकि अगर मैं इसको उस तरीके से रोटेट करूं भी जैसे आप सोच रहे हो कि अगर मैं एक दो कार्बन की चेन यू में अगर रखूं जैसे इसमें, सॉरी यूं, ये मेरे से ठीक से रोटेट नहीं हो रहा, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसको रोटेट कर देते हैं, दूसरे वाले को इस फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। अब आप देखो मैं साइनाइड को सेम लोकेशन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और जो बाकी पूरा स्ट्रक्चर है उसको इसके हिसाब से मैं रोटेट करके देखना चाह रहा हूँ व्हाट हैपेंस। अब साइनाइड अगर मैं इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये ब्लू कलर में आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है, और इसमें आप देखकर देखो साइनाइड को अगर मैं बिल्कुल पेज से ऊपर की तरफ निकाल लूँ तो ये जो ये वाला रेड कलर से जो चीज है दिस इज बेसिकली हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन इज ऑलवेज इन रेड ऑन दिस वेबसाइट। सो हाइड्रोक्साइड मेरी तरफ आ रहा है पेज के, और उस वाले कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड पेज से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यू डोंट थिंक कि ये जो सेंटर पे कार्बन है इसके साथ साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, यू माइट बी थिंकिंग कि इसके साथ कार्बन के साथ एक और कार्बन है और उधर भी कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, इस कार्बन के साथ ये पूरा एक ग्रुप है, वी कॉल इट साइनाइड ग्रुप, ठीक है। सो यू डोंट ट्रीट इट एज कार्बन, अगर वो कार्बन होता तो फिर ये कायरल सेंटर ना होता, क्योंकि कायरल सेंटर कहते ही उसको है जिसके चारों तरफ डिफरेंट चीज लगी हुई हो, इसके एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ अल्काइल चेन और एक तरफ साइनाइड लगा हुआ है। तो यू कैन सी कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है। फर्क किस चीज़ का है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब देखो अगर मैं साइनाइड को यूं करके देखूं तो
अब देखो मैंने साइनाइड को इनलाइन कर दी है, कार्बन का जो बेसिक स्केलेटन है वो मैंने सेम कर दिया है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। बॉन्ड्स भी आपको बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अब देखो इस वाले कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोक्साइड मेरी तरफ पेज के बाहर की तरफ है, और ये जो है इसमें हाइड्रोक्साइड पेज के अंदर की तरफ है, बैक साइड पे। सो दीज टू आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर या मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब इसमें जो दो मिरर इमेजेस बनते हैं ना, इनमें से एक ऐसा मिरर इमेज होता है जो लाइट को राइट साइड पर रिफ्लेक्ट करता है, और एक वो करता है जो लाइट को लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट करता है। और वो जो शुरू में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना कि जो वाइट जो पोलराइज लाइट है वो कुछ कंपाउंड्स के अंदर से जब पास होती है तो वो बेंड हो जाती है, कुछ कंपाउंड्स राइट साइड पे और कुछ कंपाउंड्स लेफ्ट साइड पे उसको बेंड कर देते हैं, तो वो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। एक ही कंपाउंड के अंदर से अगर आप पास कराओ तो लाइट राइट पे भी हो सकती है, लेफ्ट पे भी बेंड हो सकती है, डिपेंडिंग के कौन सा आइसोमर यूज हुआ हुआ था। सो दैट इज इट फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब फाइनली हम ये देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल कितने हो सकते हैं किसी चीज के, ऑप्टिकल आइसोमर्स या जो हमने पहले ज्योमेट्रिक आइसोमर्स थे, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैं आपको क्लियर करूंगा कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की टोटल तादाद अगर आपने डिटरमिन करनी हो तो हाउ डू यू फाइंड दैट। लेट्स से यू हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, यू हैव एच हियर, यू हैव एच हियर, यू हैव सी एल हियर, एंड यू हैव कार्बन की एक और चेन यहाँ पे लगी हुई है लेट्स से, और ये जो कार्बन की चेन है फर्दर आप समझ लो कि ये यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है इसका इस वाले कार्बन के साथ, और यहाँ पे अगेन एक H लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है इसके साथ तीन हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, या आप इसको CH3 कर लो, और यहाँ पे आपके पास एक लगा हुआ है OH ग्रुप। नाउ यू सी देर आर अ टोटल ऑफ टू डबल बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड, एंड लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को आपके लिए बनाऊंगा ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं किसी कंपाउंड के। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट ओवर हियर वंस अगेन, बल्कि लेट इट नॉट पेस्ट इट देयर, हम इसको फिर से बनाते हैं। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो आपके पास लेफ्ट पे बना हुआ है, एक और पॉसिबिलिटी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में फिलहाल आपको बताने लगूं, ये वाला डबल बॉन्ड रिटेन रहे, इसके तो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, ये तो हाइड्रोजन्स ही रहेंगे। अब चूंकि एक में ये हो रहा था कि क्लोरीन जो था वो ऊपर की तरफ था और ये बाकी पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ था, अब मैं अगर ऐसे करूं कि क्लोरीन को नीचे की तरफ कर दूं और बाकी पूरा स्ट्रक्चर अगर ऊपर की तरफ कर दूं, तो ये भी तो हो सकता है ना। मैं इस पूरे कंपाउंड को थोड़ा नीचे ले आता हूं ताकि वो उस जगह में पूरा आ जाए। अब मैं ऐसे करता हूं कि क्लोरीन को नीचे लगा देता हूं और बाकी पूरा स्ट्रक्चर ऊपर बना देता हूं, ठीक है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या चीज है, सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, और इसके एक तरफ एच लगा हुआ है इस लेफ्ट वाले कार्बन पे। अब अगेन इस वाले कार्बन के आगे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आप सी एच थ्री ऊपर और ओ एच नीचे लगा सकते हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी आप सी एच थ्री ऊपर और ओ एच नीचे लगा सकते हो। आप बताओ ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड क्या सेम चीज है या डिफरेंट चीज है, दे आर टोटली डिफरेंट चीज है, और ये एक दूसरे के सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं। ये जो है ये वाला सिस स्ट्रक्चर है और ये जो है ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, और इसमें मैंने किया ये है कि इस वाले डबल बॉन्ड को, कौन सा डबल बॉन्ड मैंने छेड़ा है, ये वाला, इस डबल बॉन्ड के अबाउट मैंने ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो दो कंपाउंड्स बन गए। अब ये जो लेफ्ट साइड पे ऊपर वाला कंपाउंड है इसी को मैं एक दफा करता हूं कॉपी, ठीक है, एंड लेट मी पेस्ट इट डाउन हियर, एंड ये जो राइट वाला कंपाउंड है लेट मी ऑल्सो कॉपी इट, और इसको भी मैं नीचे जाके पेस्ट करता हूं। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा सारा स्ट्रक्चर। अब आप ये करो कि ये जो ये दूसरा वाला जो बॉन्ड है, अब आप इसके अबाउट रोटेशन करो, आप इसमें सी एच थ्री और ओ एच की लोकेशन अगर मैं चेंज कर दूं, ओ एच ऊपर ले जाऊं और सी एच थ्री नीचे ले आऊं, ओ एच इसमें ऊपर ले आऊं और सी एच थ्री नीचे ले आऊं, और इस वाले में भी आप यूं ही करो, ओ एच आप ऊपर ले जाओ और सी एच थ्री आप नीचे ले आओ, ओ एच आप ऊपर ले जाओ सी एच थ्री नीचे ले आओ। अब आप बताओ क्या ये चारों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं या ये चारों में से कोई दो आपस में मैच करते हैं, ये चारों कंपाउंड्स आपस में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो पहला डबल बॉन्ड था इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करवा के मैंने दो कंपाउंड्स बना लिए, ठीक है।
और इस वाले पूरी चीज़ को मैंने छेड़ा ही नहीं, इस पूरी पूरी चीज़ को मैंने सेम रखा, ये जो पूरी चीज़ थी, और इसमें भी इस वाली पूरी चीज़ को मैंने सेम रखा, ठीक है। सिर्फ फर्क ये किया कि इसमें मैंने नीचे लगा दिया और उसमें मैंने ऊपर लगा दिया। दूसरी दफ़ा आपने ये करना है कि आपने इस दूसरी वाली चीज़ को छेड़ना है और इन दो स्ट्रक्चर्स के आगे फिर फर्दर आपके पास एक एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। अ टोटल ऑफ फोर स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस मेथड। दो डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस की वजह से चार स्ट्रक्चर्स बने हैं, विच इज़ बेसिकली टू मल्टीप्लाइड बाय टू। और अगर ऐसा होता कि यही वाला स्ट्रक्चर आगे चल के एक और डबल बॉन्ड भी उसके अंदर होता तो आपके पास एक और टू से ये मल्टीप्लाई हो जाता, एंड ये प्रोसेस चलता रहता। जितने किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स होते हैं उतना ही टू का आप आपस में मल्टीप्लाई करते जो, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दैट यू कैन फॉर्म। सिमिलरली इफ यू हैव अ कायरल सेंटर इन अ, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सी एल ओ एच सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे यू कुड हैव एच एंड एच एंड देन यू कुड हैव सी एंड देन यू कुड हैव डबल बॉन्ड एंड देन यू कुड हैव अनदर सी। इसके साथ आप एक सी एल लगा लो और इसके साथ आप एक, इसमें भी आप ऐसा करो कि एक एच की जगह आप कुछ और लगा दो, यहाँ पे आप सी एच थ्री लगा दो और यहाँ पे आप एक सी एल लगा दो और यहाँ पे आप एक एच लगा दो और यहाँ से आगे आप एक और कार्बन लगाओ और उस कार्बन को आप ऐसा करो कि उसके एक तरफ आप सी डबल ओ एच लगा दो, इसके एक तरफ आप एन एच टू लगा दो और इसके एक तरफ आप एच लगा दो। ये जो पूरा कंपाउंड है, इफ़ समबडी आस्क्स यू कि इसके टोटल कितने आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, पहली बात तो ये, इस कंपाउंड को पहले गौर से आप देखोगे, ठीक है, एंड सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे इसमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स कितनी दफ़ा आ रहे हैं। ये एक लोकेशन है जहाँ पे कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है और ये एक लोकेशन है जहाँ पे कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है। तो टू मल्टीप्लाई बाय टू, चार आइसोमर्स तो इसके कम अज़ कम बनेंगे ही बनेंगे, यानी चार दफ़ा इस मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं इसी को देखते हुए। कभी आप इस वाले को ऊपर लगा दोगे, कभी आप इस वाले को नीचे लगा दोगे। अच्छा सॉरी, इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैंने ये किया है कि यहाँ पे एच नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ से दोनों से आप एच हटा दो, ठीक है, अब ठीक है ये पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके मैं बात कर रहा था कि आप इसके चार आइसोमर्स टोटल बना सकते हो अगर सिंपली इन डबल बॉन्ड्स को देखा जाए। बट अगर आप गौर करो, ये आपको जो सबसे लेफ्ट साइड पे कार्बन है, लेट मी ड्रॉ इट विद रेड, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ इधर कुछ और लगा है, इधर कुछ और लगा है, इधर कुछ और लगा हुआ है और राइट साइड पे तो डेफिनेटली कुछ और है। इसका मतलब है ये जो कार्बन है इसके फर्दर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, चार तो पहले ही डबल बॉन्ड्स की वजह से बने हुए थे ना, तो फोर मल्टीप्लाइड बाई टू। और चूंकि राइट साइड पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको अगेन, इसको मैं ऑरेंज कलर से आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो कार्बन एटम है, वंस अगेन दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे कुछ और लगा हुआ है, राइट साइड पे सी डब्ल्यू एच लगा हुआ है, एक तरफ एन एच टू और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। सो दिस इज वंस अगेन अ कायरल सेंटर और कायरल सेंटर से आप दो ऑप्टिकल आइसोमर्स इस साइड पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो दो इस साइड पे, दो इस साइड पे, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, और चार यहाँ पे दरमियान पे, तो चार इंटू टू इंटू टू, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स वुड बी 16 आइसोमर्स या 16 स्टीरियो आइसोमर्स यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूँ, लेट अस टेक अ सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपके पास एक डबल बॉन्ड हो और एक कायरल सेंटर हो। सो यू हैव कायरल सेंटर, में पहले बना देता हूँ, यहाँ पे मैं सी डब्ल्यू एच लगा देता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे मैं एन एच टू लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं ओ एच लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके साथ एक कार्बन जोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ कार्बन के साथ, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक तरफ एच और एक तरफ सी एल। अब आपके पास ये एक कंपाउंड है, अगर आप इस पर गौर करो, ये एक लोकेशन है डबल बॉन्ड की और ये एक लोकेशन है कायरल सेंटर की। सबसे पहले आप ये करो कि इसी कंपाउंड को रीड्रॉ करो और ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ इसका। ऑप्टिकल आइसोमर फिर अब कैसे बनेगा कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है, अब यहाँ पे आप सी डब्ल ओ एच लगा दो, जो सी डब्ल ओ एच वैसे उस साइड पे लगा हुआ था और एन एच टू लेफ्ट पे लगा हुआ था, एन एच टू को आप ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड बन गया, राइट साइड वाली पूरी चीज़ को आप सेम रखो। तो इसी आपके पास दो आइसोमर्स बन गए हैं, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और ये आपके पास दो आइसोमर्स तो ऑलरेडी बन गए। अब इन दोनों को आप करो कॉपी,
इस पूरे को आप करो कॉपी एंड यू कुड हैव टू मोर कंपाउंड्स. किस तरीके से कि अब आप ये करो कि जो डबल बॉन्ड के ऊपर नीचे की जो चीज़ें हैं इनको शिफ्ट करो. H और Cl था ना, अब आप Cl को ले जो ऊपर, H को ले आओ नीचे. ठीक है, और नीचे वाले में भी आप यूं ही करो, आप Cl को ले जाओ ऊपर और H को ले आओ आप नीचे. तो ये अब देखो आपके पास टोटल ऑफ फोर कंपाउंड्स विच आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, विच आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. दीज टू आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, these two are geometric isomers of each other, these two are geometric isomers of each other, and these two are optical isomers of each other. ठीक है, and these are all in all stereo isomers of each other. So the method is के identify the total number of double bonds plus total number of chiral centers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपाउंड में अगर तीन डबल बॉन्ड्स हैं और अगर उसमें दो कायरल सेंटर्स हैं तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने बनाए जा सकते हैं. 2 की पावर 3 प्लस 2 5, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 32. तो टोटल 32 आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं इफ यू हैव दिस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड कायरल सेंटर्स. सो आई होप अब आपको एक बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि आइसोमर्स किस तरीके से बनते हैं एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई एंड हाउ डू वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स. दिस इज इट फॉर चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 वॉज ऑल रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट देखे हैं, हमने आइसोमेरिज्म की टाइप्स देखी हैं, फंक्शनल ग्रुप्स देखे हैं, इस तरह की हमने जनरल बातें डिस्कस की हैं. इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 8, हम जो अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड सॉरी जो साइक्लिक ए साइक्लिक कंपाउंड्स थे ये बेसिकली हम उनको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. वी विल स्टडी ए साइक्लिक कंपाउंड्स इन डिटेल्स जो सिंपली हाइड्रोकार्बन्स होंगे और उनके साथ कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स अटैच नहीं होंगे. बाय दिस वी मीन अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. Your next chapter would be based on these three compounds.